हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में, जिसको डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, स्किन रैश भी बोलते हैं। ये सब एक्जिमा के ही नाम हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक्जिमा हुआ है, क्या उसमें लक्षण होते हैं, क्या आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट दे सकता है, कितने टाइप का होता है एक्जिमा, क्यों होता है, कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे चैनल को हेल्प मिलती है ग्रो होने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्जिमा में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्जिमा में स्किन ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है, पपड़ी जैसा दिखाई देने लगता है, और अगर हाथों पैरों पे एक्जिमा होता है तो उसमें कट्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, जिसमें काफ़ी पेन भी होता है, पेशेंट काफ़ी अनकंफर्टेबल फील। और अगर एक्जिमा में दाने बन जाएं तो उसमें से फिर पानी जैसा निकलने लगता है, जिसको ऊजिंग एक्जिमा कहते हैं, जो वेट एक्जिमा होता है। ये एक्जिमा के लक्षण होते हैं। अगर एक्जिमा नया होता है तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है, या जिसको स्टार्ट हुए कुछ महीने हुए हैं या काफ़ी सालों से है तो उसको हम क्रॉनिक एक्जिमा कहते हैं, जो ट्रीट करने में डिफ़िकल्ट होता है। अब एक्जिमा कितने टाइप का होता है? एक्जिमा दो टाइप का होता है, एक्सोजीनस एक्जिमा, एंडोजीनस एक्जिमा। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि एक्जिमा आपको सिंपल लैंग्वेज में किस वजह से हो रहा है और उसके फिर आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। एक्सोजीनस एक्जिमा का मतलब होता है बाहरी कारणों की वजह से, जैसे कि आपको कुछ चीज़ सूट नहीं हुई, आपके कांटेक्ट में कोई ऐसी चीज़ आई जिस पे आपकी स्किन ने रिएक्ट किया, बाहरी कारणों की वजह से जो एक्जिमा होता है वो होता है एक्सोजीनस एक्जिमा। एंडोजीनस एक्जिमा जो हमारे अंदरूनी कारणों की वजह से होता है वो होता है एंडोजीनस एक्जिमा। इसमें सिबोरिक डर्मेटाइटिस आता है, जहाँ जहाँ पर डर्मेटाइटिस लगा होता है उसका मतलब होता है एक्जिमा। सिबोरिक डर्मेटाइटिस फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसमें नोज के साइड्स में, आईब्रोज में, यहाँ पे चेस्ट में वाइट वाइट पपड़ी निकलती है, जो एक फंगस की वजह से एक्जिमा होता है। फिर होता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, उसमें भी स्किन ऐसी ड्राई होती है, इंची होती है, जो बच्चों के जॉइंट्स होते हैं जैसे कि एल्बोज हो गया, नीज के पीछे हो गया, तो ये बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे इसकी जो सीवियरिटी है वो कम होती जाती है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज एटॉपिक एक्जिमा। जो एग्जैक्ट कारण है वो अननोन है, लेकिन माना जाता है कि जेनेटिक्स की वजह से, अगर आपकी फैमिली में स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके फादर मदर को है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में स्किन का कोई इशू था, तो आपको भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको एक्जिमा, डर्मेटाइटिस ये सब हो सकता है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि वेदर चेंज होने पे या टेम्परेचर चेंज होने पे या प्लेस चेंज होने पे, जो एनवायरमेंट की वजह से एक्जिमा हो जाता है उसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, कि जब पोलन का सीज़न होता है तो हम उन पोलन को इनहेल करते हैं, तो हमारा जो स्किन का सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी पे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसको कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता। तो ये हैं इसके कारण, कि मोटे मोटे किन कारणों की वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में और सामान्य भाषा में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे एक्जिमा होता है। तो जब पेशेंट आता है, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि आप क्या काम करते हो। जैसे कि हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं या सब्जी काटती हैं, तो उनके हाथों में यहाँ पे अधिकतर कट्स देखे जाते हैं, स्किन वहाँ पे थिक हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उन्हें इचिंग होती है, पानी में डालते हैं तो उसमें जलन होने लगती है, या जरा सा भी साबुन का पानी लगता है तो जलने लगता है। तो पेशेंट के जो रूटीन है, जो पेशेंट काम करता है, उससे हमें आइडिया मिलता है उसकी हिस्ट्री से कि इसको क्या ट्रिगर कर रहा है। हाउसवाइफ्स में जो डिटर्जेंट होता है वो ट्रिगर करता है, सब्जियों का जो पानी होता है, जो रस निकलता है, वो ट्रिगर करता है। तो ये एक कारण हो गया हाउसवाइफ्स में हैंड एक्जिमा होने का। इसी तरह से जो सैलून या स्पा में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो सैलून में मसाज करती थी, तो जो ऑयल होते हैं उसको ऑयल से एलर्जी थी, उसके हाथों में एक्जिमा हो गया था। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो हमें पेशेंट की हिस्ट्री से पता चलता है। जैसे कि आपके नेक पे रैश हो गया, तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने कोई हाई नेक स्वेटर पहना था, या फिर आपने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी जिस चीज़ ने यहाँ पे टच करा तो उसकी वजह से एक्जिमा हो सकता है। पैरों में आपने कोई इस तरह की चप्पल पहनी कि वहीं पे सिर्फ वो लाइन एक्जिमा जैसी दिख रही है, या आपने नाइलॉन की सॉक्स पहनी, या आपने बंद शूज़ काफ़ी लंबे टाइम तक पहने कि पसीने की वजह से भी वहाँ पे आपको रैश हो गया हो। जो सर में एक्जिमा होता है वो अधिकतर हेयर डाई की वजह से होता है,
कि आपने कोई हेयर डाई लगाई उसके बाद आपकी स्किन रिएक्ट कर गई। हेयर ड्राई की वजह से फेस पे भी एक्जिमा हो सकता है या यहाँ तक हो सकता है या नेक पे हो सकता है। तो ये हेयर डाई की वजह से, आपने कोई केमिकल वाला ट्रीटमेंट कराया हेयर में तो उसकी वजह से भी स्कैल्प में एक्जिमा हो जाता है। जो लोग क्लीनिंग करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, उनके हाथों में जैसे डस्ट की वजह से, डस्ट एक ट्रिगर होता है, डस्ट की वजह से भी एक्जिमा हो जाता है। जो लोग सीमेंट का काम करते हैं जैसे लेबर होती है, तो उनके अगर आप हाथ देखोगे तो उनके हाथों में एक्जिमा होता है, वो सीमेंट की वजह से होता है। लेकिन उनका काम इस टाइप का है कि वो उसको छोड़ नहीं सकते, तो ये ऑक्यूपेशनल एक्जिमा इसको बोल सकते हैं कि आप कुछ इस टाइप का काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये रैश हो रहा है, ये एक्जिमा हो रहा है। कुछ लोगों के वॉच, जहाँ पे घड़ी पहनते हैं उसके नीचे एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी रुकता है तो वहाँ पे भी स्किन ड्राई रहना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप रिंग पहनते हो, रिंग के नीचे एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कारण है। अगर हमें पता चल जाता है कि इन कारणों की वजह से एक्जिमा हो रहा है तो हमें उस कारण को हटाना होता है, तभी वो एक्जिमा ठीक होगा। अगर आपको वॉच की वजह से हो रहा है तो आप वॉच पहनना बंद करो कुछ टाइम के लिए, तब आपका एक्जिमा ठीक होगा। आपने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको रिएक्ट कर गई तो वो ज्वेलरी आपको ध्यान रहना चाहिए कि इससे मुझे एलर्जी हुई थी, तो आप अगली बार भी पहनोगे तो भी आपको एलर्जी हो सकती है। हेयर डाई से आपको एलर्जी हुई है तो आपको बिल्कुल नेचुरल वाली हेयर डाई यूज़ करनी है। वो मैं आपको नाम बताऊंगी वीडियो के एंड में कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। ये सब कारण हैं हाथ पैर पे एक्जिमा होने के। अब फेस पे एक्जिमा किस किस कारण की वजह से हो सकता है? फेस पे एक्जिमा हो सकता है कि आपने कोई इस टाइप का कॉस्मेटिक लगाया, कोई क्रीम लगाई या कोई पाउडर लगाया तो उसकी वजह से, या आपने कोई आई मेकअप करा, लिपस्टिक लगाई जो आपको सूट नहीं करा, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इसको बोलते हैं, उसकी वजह से आपको रैश हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। कुछ लोगों को बिंदी जहाँ पे लगाते हैं उसके नीचे एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो गोंद होती है उससे, सिंदूर से कुछ लोगों को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है उस एरिया में। तो कॉन्टैक्ट में आपकी ऐसी कोई चीज़ आती है जिससे आपको एक्जिमा ट्रिगर हो जाता है। बॉडी पे जो एक्जिमा होता है वो अधिकतर परफ्यूम वगैरह से होता है, कि आपने परफ्यूम स्प्रे करा वो आपको सूट नहीं करा तो वहाँ पे आपको रैश जैसा स्टार्ट हो सकता है। या फूड की वजह से जो एक्जिमा होता है वो पूरी बॉडी पे होता है, कि आपने कुछ इस टाइप का खाया कि वो आपको सूट नहीं करा, उसके बाद आपको इचिंग होना स्टार्ट हो गया बॉडी में। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब भी आपका जो एक्जिमा है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए देखा गया है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ इस टाइप का इवेंट होता है उसकी लाइफ में कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ, तो उनका पुराना एक्जिमा भी उस टाइम उभर जाता है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत ही मेन ट्रिगर है। कुछ लोगों के घर में पैट्स होते हैं, जैसे किसी के घर में डॉग होता है या कैट होती है, तो उनका जो फर होता है उसको हम इनहेल कर लेते हैं सांस के साथ, तो उसकी वजह से भी हमारा जो बॉडी है, जो हमारी स्किन का इम्यून सिस्टम है, वो ओवर रिएक्ट करने लगता है। तो डॉग डेंडर से भी बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। जो डस्ट माइट होते हैं, जो हमारे घर में डस्ट होती है उसमें माइट होते हैं, डस्ट के जो माइट होते हैं उनसे भी एलर्जी होती है। तो इसीलिए जब पेशेंट को इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं तब उनको सजेस्ट करते हैं कि या तो आप घर में वैक्यूम क्लीनर से सफाई करो, या फिर आप जब झाड़ू लगाते हो तो आप उस रूम में आधा एक घंटे तक नहीं जाओ, और ये क्लीनिंग का काम आपको खुद से नहीं करना। जब वो पूरे डस्ट माइट वगैरह डस्ट सेटल हो जाती है उसके बाद आप जा सकते हो। आपको अपने जो पर्दे हैं वो बहुत मोटे पर्दे नहीं लगाने, क्योंकि उसमें डस्ट रुकेगी। आपका जो सोफ़ा है वो फैब्रिक का नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसमें धूल ना रुके। हाथों को बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करने से या बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करने से भी हैंड एक्जिमा हो जाता है। आजकल कोविड की वजह से हम अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको हैंड एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है, या बहुत ज़्यादा वॉश करने से, सेवलॉन से या डेटॉल से या लाइफ बॉय, जो बहुत हार्श हैंड वॉश के लिए जो सोप होते हैं उनको भी यूज़ बहुत ज़्यादा करने से आपको हैंड एक्जिमा हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपने हैंड्स को बार बार साबुन से वॉश करते हो तो आपके हैंड का जो मॉइस्चर होता है वो साबुन के साथ निकल जाता है, तो आपके हाथ जो होते हैं वो ड्राई रहना शुरू हो जाते हैं, और ड्राई स्किन बहुत बड़ा कारण है एक्जिमा का। तो आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी फैमिली में स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो। अब ये सब हो गया हमारा कि किस किस कारण की वजह से एक्जिमा देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन टिप्स की, कि कैसे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं कि वो बेटर हो जाए। सबसे पहले, अगर बहुत ज़्यादा हैंड वॉश की वजह से है तो आपको अपने हाथ को 4 से 5 बार से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं धोना साबुन से, और आपको पियर्स ब्राउन वाला सोप यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा हार्श डेटॉल सेवलॉन ये आपको यूज़ नहीं करना। हर हैंड वॉश के बाद आपको, जब आप साबुन से 4-5 बार दिन में हाथ धोओगे, उन 4-5 बार के बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र हमेशा अपने हाथों को अच्छे से लगाना है। आपको बल्कि हर 2 घंटे में मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए।
मॉइस्चराइजर में पैरासॉफ्ट क्रीम आती है, मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये क्रीम आप हर बार हैंड वॉश के बाद लगाओगे तो अगर आपको सब्जियाँ काटने की वजह से या डिटर्जेंट की वजह से एलर्जी है तो आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि आप वो काम नहीं करो, कि आपका वो काम कोई और कर दे। तो उसके लिए आप अपने फैमिली में बात करके कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, या फिर अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आपको ग्लव्स, लूज ग्लव्स आते हैं जो ट्रांसपेरेंट ग्लव्स होते हैं, उनको पहन के फिर करना है ताकि आपके हाथों पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो उस एलर्जन का जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है। क्योंकि एक्जिमा में यही होता है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है जब तक आप उस चीज़ को नहीं हटाओगे तब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको डॉग डैंडर से एलर्जी है तो आपको पेट से, अपने डॉग से दूर रहना है, क्योंकि उसके जो फर आप इनहेल कर रहे हो सांस के साथ वो आपको, जो आपकी स्किन है उसको ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट करने को मजबूर कर रहे हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना है। अगर आपको किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनने से एलर्जी हुई है तो आपको उसको फ्यूचर में अवॉइड करना है। अगर आपको वॉच की वजह से एलर्जी है, आपको रिंग की वजह से एलर्जी है या ब्रेसलेट की वजह से एलर्जी है तो उसको आपको अवॉइड करना है, उसको आपको नहीं पहनना। कुछ स्पेसिफिक स्लीपर चप्पल पहनने के बाद आपको एलर्जी हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आप उसको मतलब नहीं ही पहनो या कुछ देर के लिए ही पहनो ताकि आपको फिर से वो एलर्जी स्टार्ट ना हो जाए। अगर आपको पोलन से एलर्जी है, बाहर जो पोलन होता है पोलन सीजन में, मतलब ग्रीनरी वाले प्लेस की वजह से अगर आपको एलर्जी है तो आपको पार्क वगैरह में नहीं जाना, बारिश के मौसम में आपको बाग बगीचे में नहीं जाना क्योंकि उसकी वजह से भी आपका एक्जिमा ट्रिगर हो जाता है। कुछ लोगों को वूलन, गर्म कपड़ों से एलर्जी होती है तो आपको पहले कॉटन की एक लेयर पहननी है, पहले कॉटन पहनना है नीचे, उसके ऊपर आपको वूलन पहनना है। आपको डायरेक्ट वूलन अपनी स्किन पे टच नहीं होने देना, आपको अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है क्योंकि ड्राई स्किन की वजह से एक्जिमा होता है। तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर बॉडी के लिए आपको यूज़ करना है, जैसे कि वेन्यूशिया मैक्स क्रीम आती है, वो मॉइस्चराइजर आप दिन में 2 बार यूज़ करो नहाने के बाद और रात को सोने से पहले, पूरी बॉडी में अच्छे से आपको लगाना है। कोकोनट ऑयल भी एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है तो उसको भी आप दिन में 1 बार कभी भी अपने रूटीन के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। आपको बहुत गर्म पानी यूज़ नहीं करना नहाने के लिए, हल्का गुनगुना पानी से आपको नहाना है क्योंकि बहुत गर्म पानी से स्किन रूखी होती है और रूखी स्किन एक्जिमा का एक बहुत बड़ा कारण होती है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपको कॉटन की सॉक्स पहननी है, नायलॉन सॉक्स में पसीना अब्जॉर्ब नहीं होता तो उसकी वजह से भी रैश हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। बंद जूते बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहने, बीच में पैरों को हवा लगानी है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एरिया के ऊपर कि आपका जो एक्जिमा है वो छोटे से एरिया में है या बहुत बड़ा एक्सटेंसिव एरिया इन्वॉल्व्ड है। अगर छोटा सा एरिया में होता है तो हम जो प्रिवेंशन टिप्स मैंने आपको बताए ये सब टिप्स देते हैं। छोटे से एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर देगा पूरी बॉडी के लिए भी, ताकि प्रिवेंशन के लिए आपको और ज़्यादा ड्राई स्किन नहीं हो और आपको एक्जिमा बॉडी में और कहीं पर ना फैले। और लोकलाइज तो आपको जहाँ पे वो प्रॉब्लम है वहाँ तो आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना ही है, जैसे कि पैरासॉफ्ट क्रीम छोटे एरिया के लिए बहुत अच्छी है और अगर बड़े एरिया के लिए तो वेन्यूशिया मैक्स क्रीम आप ले सकते हो क्योंकि इसकी बड़ी बॉटल आपको इजीली मिल जाती है। इस मॉइस्चराइजर से आपको अपनी स्किन को दिन में 3-4 बार मॉइस्चराइज करना है। उसके बाद आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको थोड़े टाइम के लिए स्टीरॉयड वाली क्रीम्स दे सकता है क्योंकि एक्जिमा में हमें स्टीरॉयड वाली क्रीम्स देनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम इन क्रीम्स को बहुत लंबे टाइम तक बिना डॉक्टर की सलाह के मिसयूज़ करते हैं तो उससे क्या क्या हार्म हो जाता है वो मैं ऊपर कार्ड शेयर कर रही हूँ, वो आप देखोगे आपको पता चलेगा कि क्या हार्म हो जाता है स्टीरॉयड क्रीम लगाने से, कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देता है थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करके तो वो आपको लगानी चाहिए और आपके हित में ही वो दी गई है। तो एक्जिमा में आपका डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ टाइम के लिए आपको स्टीरॉयड वाली क्रीम दे सकता है। उसके बाद जब आपका एक्जिमा बेटर होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन स्टेरॉयडल क्रीम, जैसे कि टैक्रोलिमस क्रीम आती है टैक्विडो फोर्ट के नाम से, या फिर पाइकॉन क्रीम आती है, ये नॉन स्टेरॉयडल क्रीम होती है, इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो। साथ में आपका डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ विटामिन दे सकता है, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, इवियन 400 कैप्सूल आप ले सकते हो दिन में 1 बार, साथ में ओमेगा 3 कैप्सूल आता है प्राइमोसा 1000 mg, वो दिन में 1 बार आप ऐड कर सकते हो। विटामिन डी का भी अच्छा रोल देखा जाता है एक्जिमा के ट्रीटमेंट में, तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हफ्ते में 1 बार विटामिन डी का कैप्सूल लेने के लिए बोल सकता है। तो ये हो गए हमारे विटामिन जो हेल्प करते हैं स्किन एक्जिमाज में। इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है
तो उसके लिए आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट दे सकता है, जैसे कि सिट्रिजिन टैबलेट आप नाइट में 5 mg ले सकते हो, मॉर्निंग में एलेग्रा 180 टैबलेट दी जा सकती है। तो ये भी डिपेंड करेगा आपके एक्जिमा की सीवियरिटी के ऊपर कि आपको इचिंग कितनी ज़्यादा है। माइल्ड केस में जो मैंने आपको दो टैबलेट बताई है ये काफ़ी इफेक्टिव होती है और साइड इफेक्ट जनरली इसका नहीं होता, तो ये आप स्टार्ट कर सकते। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो स्टेरॉइड वाली क्रीम्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसी की होती हैं, मतलब स्ट्रांग होती है, माइल्ड होती है, मीडियम होती है। फेस के लिए अलग क्रीम्स होती हैं, बॉडी के लिए अलग क्रीम्स होती हैं, तो आप इसको खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा इन क्रीम्स को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको हाथ पे कट है या आपको पैरों के शिन पे यहाँ पे एलर्जी है इस टाइप की, जैसे मैंने पिक्चर शेयर करी है, तो मैं टेनोवेट क्रीम आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये स्टीरॉइड क्रीम है, स्टीरॉइडल क्रीम है। इसको आप बहुत थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा लगाना है, उसको मसाज नहीं करना, छोड़ देना है। शुरू में 10 दिन तक सुबह शाम लगाना है, अगले 10 दिन एक बार लगाना है, इतने में आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। ये सिर्फ मैं हाथ और पैर के लिए बता रही हूँ, फोल्ड्स में जैसे कि ये फोल्ड्स हैं हमारे नीज हैं या सेंसिटिव स्किन है, वहाँ पर इस क्रीम को बिल्कुल नहीं लगाना। अच्छा होगा अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके लगाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपका जो एक्जिमा है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको खाने के लिए भी स्टेरॉइड दे सकता है या इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन आती हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट, ये सब डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद स्टार्ट की जा सकती हैं। एक बात यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्जिमा जो है उसका पूरा परमानेंट क्योर संभव नहीं है। हम ये सब करते हैं, विटामिंस लेते हैं, क्रीम्स लगाते हैं तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर फिर से वो एलर्जन आपके कॉन्टैक्ट में आएगा, चाहे वो एनवायरमेंटल एलर्जन हो या फिर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपके कुछ आए, तो वो फिर से ट्रिगर हो सकता है, स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकता है। वेदर, कुछ लोगों को जब मौसम चेंज होता है तब उनका एक्जिमा बढ़ जाता है, जब आपको कुछ खाने की चीज़ों से आपको एलर्जी हो जाती है, तो जो भी ट्रिगर है अगर वो आपके कांटेक्ट में आएगा तो वो फिर से आपका एक्जिमा बढ़ सकता है, फिर से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हेयर डाई में आप इंडिगो बेस कलर यूज कर सकते हो, जैसे कामा का कलर आता है वो इंडिगो बेस है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो ऐसी डाई आप यूज कर सकते हो अगर आपको केमिकल वाली डाई से एलर्जी हुई है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो अपना एक्जिमा का प्रॉब्लम लेके, तब आपका डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करा सकता है ये देखने के लिए कि आपको आपके ब्लड में कोई एलर्जी तो नहीं है। उन टेस्ट में आपका डॉक्टर आपको सीरम आईजीई टेस्ट करा सकता है, सीबीसी टेस्ट करा सकता है, फाइडियाटॉक टेस्ट करा सकता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकता है। तो ये जनरल टेस्ट होते हैं एलर्जी के लिए, जो कोई भी लैब से इजीली आप करवा सकते हो। इससे डॉक्टर को पता चलता है कि आपको एनवायरमेंटल एलर्जी है या आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई एलर्जी हुई है, तो ये हमें एक आइडिया देता है कि क्या प्रॉब्लम आपकी बॉडी में चल रही है। तो ये था एक वीडियो एक्जिमा के बारे में, स्किन रैश के बारे में कि क्या होता है और क्या उसका ट्रीटमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।